उसके बाद वेलकम किया, भारत की सरजमी पर ये कदम रखते हुए हाथ मिलाया और ये देखिए और अब हिंदुस्तान की तरफ पहुंच गए। देखिए आप किस तरीके से उनको आगोश में लेते हुए उनके एक सीनियर जो है वो आगे की तरफ बढ़े हैं। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके साथ वो दिखाई दे रहे हैं, अब वापस दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के चैनल की तरफ से आप उस तरफ से देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कैमरों को अलाउ नहीं किया है। 9:21 कदम रखा अपनी धरती पर विंग कमांडर अभिनंदन ने। अभिनंदन, एबीपी न्यूज सलाम करता है आपको, अभिनंदन करता है आपका, सर झुकाकर। आपने जो कुछ भी इस हिंदुस्तान के लिए किया, अपने वतन के लिए किया, हमारे लिए किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखिए छोटी सी पेशकश जो दर्शक अभी स्क्रीन को देख रहे हैं, उन्हीं के फाइटर प्लेन से फूलों की बरसात आप देख रहे हैं इस जाबाज पर। अभिनंदन अब निर्देश कर रहा है विंग कमांडर का, इस एयर वॉरियर का, और अब आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा काफिला सीधा पहुंचेगा अमृतसर एयरपोर्ट, अमृतसर से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद शुरू हो जाएगा डीब्रीफिंग का सिलसिला। अभी कुछ दिनों तक आप ये देखेंगे, जानेंगे कि किसी तरह की कोई बातचीत उनसे नहीं हो पाएगी, मीडिया उनसे नहीं मिल पाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स इंटेलिजेंस यूनिट उनके संपर्क में रहेगा, उसके बाद दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी में लौटेंगे। क्योंकि आप नहीं जानते हैं, कहने को तो ये 7 घंटे हैं, कहने के सिर्फ कुछ सेकंड, लेकिन ये 7 घंटे POW के तौर पर किसी का रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत दूसरे देश में दुश्मन की धरती पर जाकर उसे ये कह देना आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, बहुत बड़ी बात है। और ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान की तरफ से ली गई तस्वीर है, लेकिन आप झलक देखिए क्या शानदार तरीके से वेलकम किया गया है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर, आपको क्या जानकारी मिल रही है और क्या तस्वीर? रूबिका, रूबिका, मैं वो गाड़ियों की लाइट देख पा रहा हूँ यहाँ से। दूर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहां से वो जीरो लाइन है वहां से गाड़ियों की एक कतार सी दिख रही है, और इस वक्त गाड़ियों की वहां मूवमेंट साफ दर्शाती है कि बीएसएफ ने और जब भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने हैंडओवर लिया उसके बाद वो गाड़ियां इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं लाइट्स नजर आ रही हैं, और जहां दोनों देशों के झंडे हैं उसके नीचे देखिए हेडलाइट जो है, हेडलाइट हमारी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, और ये आगे आकर थोड़ा आगे आकर टर्न लेंगी लेफ्ट साइड को, क्योंकि अगर इमिग्रेशन की तरफ को घूमते हैं, कस्टम की तरफ को घूमते हैं, तो ये गाड़ियां लेफ्ट साइड को घूम जाएंगी वहां से, और अगर हम लाहौर की साइड से मानकर चले तो राइट साइड को घूम जाएंगी, और अगर सीधा पीछे सड़क से बिना किसी फॉर्मेलिटी के आना होगा तो ये गाड़ियां सीधी आती जाएंगी। आप इन हेडलाइट की लाइट्स पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि इसी काफिले में अभिनंदन को आना है, और ये काफिला होगा एयरफोर्स की उन गाड़ियों का जो काफिला दोपहर को 3:30 के करीब अटारी की तरफ पड़ा था, और उसमें तमाम वायुसेना के अधिकारी थे और अभिनंदन के माता पिता भी उन अधिकारियों के साथ गए थे। 5 से 6 गाड़ियों का काफिला था और 2 गाड़ियां एडवांस में आगे गई थी। मैं लाइट्स अब भी देख रहा हूं, हेडलाइट्स नजर आ रही हैं। ये वो जगह है जहां पर रात को सिवा बीएसएफ जवानों के कोई नहीं होता है। यही वजह है कि इन हेडलाइट से सीधा सीधा आसानी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभिनंदन को लेकर आने वाला काफिला जीरो लाइन तो से आगे बढ़ रहा है, और ये आगे बढ़कर अगर सीधा आता है तो ये अमृतसर की तरफ जाएगा, लेकिन थोड़ा चलने के बाद अगर वहां से दाहिनी तरफ घूम जाता है तो कस्टम की तरफ से निकल कर आएगा। मुझे ये लगता है कि कस्टम की तरफ ये घूमेंगे और कस्टम और इमिग्रेशन की तरफ से